मंत्री को अगर एक पदाधिकारी अगर उनको औकात बताता रहे, उनको आईना दिखाता रहे और उनके सारे आदेशों में उलट फेर करता रहे, वो अपने मन के हिसाब से चलता रहे, वह कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री जी का छिपा हुआ रहस्यमयी कुछ इस प्रकार का कृत्य है जो दिखा करके कोई पदाधिकारी इनको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है। एक बार फिर से परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर ब्रजवासी को किया गया निलंबित। मांडवन प्रखंड नियोजन इकाई ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय रक्षा पूर्वी मांडवन के शिक्षक बंसीधर ब्रजवासी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नियोजन समिति के सचिव ने मांडवन प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार को निर्देश दिया है कि 3 दिनों के अंदर आरोप पत्र गठित कर अवगत कराएं। बंसीधर ब्रजवासी पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का विरोध करने का आरोप लगा है। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, लाइव सिटीज पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर अधिकारियों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में बंसीधर ब्रजवासी। चूंकि टाइमिंग तो 6 बजे का है तो फिर 6 बजे सवेरे पहुंचना ही है, फोटो खिंचाना ही है और आपको भेजना ही है। तो बच्चे नहीं आएंगे तो 1:30 बजे जो शिक्षक निकलेंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था किए? केवल बच्चे ही बेहोश हुए हैं या शिक्षक भी बेहोश हो रहे हैं? और 1:30 बजे दोपहरी में अगर शिक्षक विद्यालयों से निकलेंगे तो हमको लग रहा है कि कमांडो की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग कमांडो बन जाएगा। ये सब लोग जो है इन लोगों को ये सेना की ट्रेनिंग जो आप जो दे रहे हैं ये ट्रेनिंग, और हम चाहते हैं कि इस सब विभाग में लागू कर दिया जाए। सारे विभाग में एकदम आँख मलते हुए सारा कर्मचारी विभाग में पहुँच जाए और 1:30 बजे तक काम करके लोग घर निकल जाएगा, आराम से एकदम रहेगा। इसको सब में यूनिफॉर्मिटी कर दीजिए, पूरे सारे विभाग में इसको लागू कर दीजिए। क्योंकि जब बात होगी तो 8 घंटा ड्यूटी करवाना है, अगर वो 8 घंटा ड्यूटी अगर वो स्कूल में बच्चा नहीं आ रहा है तो कुछ लोगों को लगा दीजिए झाड़ू पोछा करेगा जाके आप लोगों के घर में। जिस तरह का तमाशा बनाया जा रहा है पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि यदि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को अगर एक व्यक्ति अंगूठा दिखा देता हो, जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला विधानसभा का विधानमंडल होता है, उस हाउस के अंदर जो विधायिका का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री घोषणा करे कि विद्यालय का समय 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा और वह लागू नहीं हो पाता है, यदि मुख्यमंत्री का प्रेस रिलीज जारी होता है कि स्कूलों को बंद रखा जाए और बाद में जो निचले स्तर के उनके अधीनस्थ पदाधिकारी जो निकाल रहे हैं पत्र और उसमें कहा जाता है कि केवल शैक्षणिक कार्य बंद रहेंगे, तो शिक्षक लोग खेती किसानी करने के लिए स्कूल में तो नहीं ही जाएंगे, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति आप अनिवार्य करेंगे। तो इस प्रकार की अगर व्यवस्था हो रही है तो एक शक है और एक आशंका है, संदेह हो रहा है लोगों को कि इस तरह की स्थिति आज तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संदर्भ में तो कभी नहीं देखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते थे वो होता था, लेकिन आखिर ये क्या हो गया है? बिहार के लोग बहुत परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं, सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसा तो तभी हो सकता है जब एक मुख्यमंत्री को अगर एक पदाधिकारी अगर उनको औकात बताता रहे, उनको आईना दिखाता रहे और उनके सारे आदेशों में उलट फेर करता रहे, वो अपने मन के हिसाब से चलता रहे, तो एक बात तो तय है कि कुछ न कुछ तो ऐसी बात है जिसके कारण मुख्यमंत्री जी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी को? आखिर वह कौन सा राज है? आखिर वह मुख्यमंत्री जी की कौन सी कमजोरी है? वह कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री जी का छिपा हुआ रहस्यमयी कुछ इस प्रकार का कृत्य है जो दिखा करके कोई पदाधिकारी इनको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है? यह संदेह हो गया है हम लोग। और अगर ब्लैकमेल किया जा रहा है उनको तो बिहार के राजनेताओं को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, जितने भी सत्ताधारी दल के लोग हैं उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर मुख्यमंत्री के कौन से ऐसे गलत राज हैं जिस राज को यह व्यक्ति जान रहा है और उसको एक्सपोज करने की धमकी देकर कहीं ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है।
मैं इसका कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा जो हो रहा है ऐसा तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति दबाव में हो और कोई निर्णय नहीं ले पाए। नहीं तो एक मुख्यमंत्री ऐसा सक्षम व्यक्ति और उसको एक पदाधिकारी इस प्रकार से करता चले, यह कहीं ना कहीं दाल में काला है, कुछ न कुछ तो जरूर है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, बिहार के तमाम जो शिक्षक साथी हैं आप सभी लोग देख लीजिए जो कुछ हो रहा है, और इस पर सोचिए, आत्मचिंतन करिए। यह जो कुछ भी पूरे बिहार के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई है, आखिर गरीबों के बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ, आज मुख्यमंत्री जी के आदेश से ठीक है 8 तारीख तक शैक्षणिक कार्य बंद हो जाएंगे, लेकिन इसके पूर्व आज तक जो इस तपिश में इस 46 डिग्री 47 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर में जो बच्चे झुल से, मुझे लगता है यहाँ शिक्षा विभाग में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है जिसमें संवेदना हो, कोई रोबोट बैठा हो जिसने प्रोग्राम उसमें फीड कर दिया हो। ये शिक्षा विभाग संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पर है, और बिहार सरकार का अगर सबसे बड़ा एंटी इनकम्बेंसिव है तो ये शिक्षा विभाग, जिसके कारण आज देखिए बेगूसराय के मटिहानी में, शेखपुरा में, ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कम से कम बंद तो कर दे। टीचर 2 घंटा बैठेंगे, बंद रहे स्कूल तो बंद रहे, ये तुगलकी कानून, मैंने क्या दक्षता परीक्षा ले रहे हैं? दक्षता परीक्षा लेना, सारे IAS ऑफिसर का फिर से एग्जामिनेशन ले और कहे कि पास कीजिए। 16 साल 17 साल टीचर को से काम करवाया, अब उसे UPSC या BPSC एग्जामिनेशन दिलवा रहे हैं। ये एकदम संवेदनहीनता का विभाग हो गया है, आदमी नहीं कोई रोबोट काम कर रहा, जिसे न टेम्परेचर का मतलब है न सामाजिक टेम्परेचर का मतलब। क्या लगता है जो सरकार का नियम है उससे शिक्षा विभाग इतर है क्या? नियम से सब चीज नियम पर चलता है, यही तो मैं कह रहा हूँ। रोबोट नियम पे चल सकता है कि उसमें फीट कर दिया, इंसान तो परिस्थितियों के अनुसार चाहे अधिकारी हो चाहे सरकार का कोई उच्चस्थ व्यक्ति हो, उसको तो समझाने नीतीश कुमार के पाठक बूढ़ा के रखते। तो अभी आप सुन रहे थे शिक्षक नेता बंसीधर ब्रजवासी तथा राजनाथ सिंह को। बंसीधर ब्रजवासी का यह कहना है कि अब शिक्षकों एवं अन्य नागरिकों को यह आशंका होने लगी है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि पत्र जारी हो रहा है और वह प्रभावित नहीं हो रहा है। विधानसभा सत्र में भी आप सभी ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टाइमिंग को लेकर ऐलान किया, लेकिन वह प्रभावित नहीं हो पाया। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस राज्य में लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र दिखाई दे रहा है। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने आने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह के शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।